गुड मॉर्निंग नर्सरी क्लास, आज हमारी मैथ की क्लास है और मैथ की हमारी क्लास जो है वो काउंट, जिसमें हम क्या करने वाले, काउंटिंग करने वाले 1 to 10। तो सबसे पहले हम ओरल करेंगे, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा ओरल, फिर हमारी ओरल क्लास है, अभी ध्यान से देखिएगा। इसमें हम 1 to 10 काउंटिंग करेंगे और सारे बच्चे मेरी वीडियो देख देख के काउंटिंग बोलेंगे, ठीक है बेटा? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिपीट अगेन। मैं ये काउंटिंग आपके लिए 2, 3 या 4 times बोलूँगी, जिससे कि आपको भी अच्छे से लर्न हो, वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वंस मोर, ये लास्ट टाइम रिपीट करूँ, आपके लिए ध्यान से सुनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो बेटा ये तो हमारी क्या थी, ओरल क्लास थी मैथ्स की। 1 to 10 हमने काउंटिंग सीखी आज की क्लास में। अब हम करने वाले हैं हमारी रिटन क्लास स्टार्ट। तो रिटन क्लास में देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ डॉट डाल रखे हैं। मैंने कहा था ना, हम जो लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, जो हमारे लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट होती है, वो हम कहाँ से लिखना सीखते हैं, हमें अगर लाइन से स्ट्रोक्स आ जाते हैं तो हम लिखना सीख जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिटन क्लास जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो आज हमारा क्या है, हमारी स्टैंडिंग लाइन है, ठीक है? स्टैंडिंग लाइन बोल सकते हैं आप इसे, वन भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो स्टैंडिंग लाइन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने 2 dots डाल रखे हैं, अब इनको आपस में मिलाना है, ऐसे ये हो गया स्टैंडिंग लाइन। इसे आप लोग 1 भी बोल सकते हैं, ये क्या है स्टैंडिंग लाइन, है ना? ये क्या है आपका स्टैंडिंग लाइन, है ना? इसे 1 भी बोल सकते हैं स्टैंडिंग लाइन। यहाँ देखिए मैं कैसे मिला रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए मैं कैसे मिला रही हूँ, ध्यान से देखिएगा सब बच्चे। 2 dots को आपस में मिलाना है और ये हमारी स्टैंडिंग लाइन, ये आप 1 भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है? इस तरीके से ये सारा काम करना है, किसमें, मैथ की कॉपी में। यहाँ देखिए कैसे मैंने मिलाया। अच्छा पेरेंट्स, मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, मैंने हिंदी की कॉपी में काम करवाया, लेकिन ये आप बॉक्स वाली कॉपी लेंगे, मैथ की जो होती है उसमें काम कराएंगे, बच्चे को अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे, नीट एंड क्लीन PDF बना के हमें भेजेंगे, क्योंकि इसी के बेस पे आपके अटेंडेंस लगती है। एक और चीज़, जब बच्चे काम करते हैं तो प्लीज़ उनके साथ में बैठे, जैसे मैंने काउंटिंग बुलवाई है तो बच्चों को घर में बोलने की प्रैक्टिस कराइए, इससे बच्चों को जो हमारे काउंटिंग है, जो भी मैं करा रही हूँ, उनको ABCD करा रही हूँ या आ आ आ आ आ ये करा रही हूँ, तो बच्चों को पहचानने में हेल्प मिलेगी। जब बच्चा कोई चीज़ पहचान जाता है तो उसे लिखने में भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये हमारी रिटन क्लास थी, ओरल क्लास, रिटन क्लास, आज हमने दोनों ली है, ये काम नीट एंड क्लीन हमें भेजिएगा करके। बाय बेटा, इसी के बेस पर आपकी अटेंडेंस लगती है। हैव अ नाइस डे।